तलाश में आप सभी का स्वागत है। अखिल भारतीय ब्राह्मण संघ गिरिडीह के द्वारा एक शोक सभा आयोजन किया गया। सभा का आयोजन नटराज चौक के समीप शिव पार्वती हनुमान मंदिर पंच में हुआ। ज्ञात हो कि ब्राह्मण पुजारी बाबूलाल वैष्णव की निर्मम हत्या कुछ दिन पहले राजस्थान में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा की गई थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ के द्वारा 2 मिनट मौन रखा गया, साथ ही भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। जय परशुराम। आज नवरात्र के उपलक्ष्य में सबको हार्दिक बधाई शुभकामना। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ की ओर से एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान में हुए हमारे पंडित बाबा का जला करके जिस तरह हत्या कर दिया गया, उसके लिए आज हम लोग अखिल भारतीय संरक्षण संघ की ओर से हम लोग नगर समिति और जिला समिति के लोग यहाँ पर कुछ अर्जु करके शोक सभा का आयोजन रखे हम लोग, और सरकार से हम लोग ये मांग कर रहे हैं और मांग करते हम लोग कि इस तरह ब्राह्मण हत्या ना हो, ब्राह्मण को सुरक्षा मुहैया कराया जाए, और इस तरह से हत्या होते रहेगा तो ब्राह्मण अपना सुरक्षा करना खुद जानता है, और सरकार इसमें संज्ञान अगर नहीं लेती है तो धीरे धीरे ब्राह्मण जो है राम है करते करते परशुराम का उग्र रूप ना ले ले। इसलिए सरकार से हम लोगों का आग्रह है कि इस तरह से कभी यूपी में कभी राजस्थान में इस तरह का ब्राह्मण के साथ दुर्व्यवहार ना हो, सरकार इस पर संज्ञान ले, अन्यथा हम लोग अभी मंदिर में मठ में बैठक कर रहे हैं, धीरे धीरे उग्र रूप लेंगे, और बाद में हम लोगों को ना बोला जाए कि संविधान खतरे में है। जय परशुराम। आज हमारे गिरिडीह में पंच मंदिर में आज हमारे ब्राह्मण भाई लोग की ओर से आज श्री पुजारी बाबूलाल वैष्णव जी का जो राजस्थान में हत्या कर दिया गया है और जला के मार दिया गया है, उसके कारण आज हम लोग जितने भी ब्राह्मण हैं बहुत ही दुख के साथ ये आपको बता रहे हैं कि बहुत हम लोग को दुख लग रहा है और हम लोग को कमज़ोर फील हो रहा है कि ऐसे ब्राह्मण का हत्या कर दिया जा रहा है बीच बाज़ार में और ब्राह्मण चुप है। ये मत सोचिए कि ब्राह्मण चुप है, ब्राह्मण आज भी वही परशुराम का फरसा लेके हमेशा दौड़ रखा है और हमेशा रोड पर खड़ा होने के लिए रेडी है। पर हम लोग सरकार से निवेदन ये करते हैं कि हमारे जो पुजारी जी का हत्या हुआ है वो उनको कातिल को कड़ी से कड़ी सजा दे, यही निवेदन है। जय परशुराम। जय परशुराम। आज अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ गिरिडीह नगर के द्वारा हमारे ब्राह्मण भाई के साथ जो राजस्थान में दुर्व्यवहार हुआ है, निर्मम हत्या कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा कर दी गई है, इस विषय पर अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संघ गिरिडीह नगर के और जिला के द्वारा आज शोक सभा एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। ब्राह्मणों के साथ अत्याचार नहीं चलेगा। पुजारी बाबूलाल वैष्णव हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। जय परशुराम। अपना फोटो कहाँ छोड़ रहे हो? बाबूलाल को भी छोड़ दे दीजिए। यहाँ भी लिखा।